गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ केस स्टडीज़ इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. बेटा, जो डेवलप्ड कंट्री हैं वर्ल्ड की, उसके अंदर बेटा यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होती है वो इंटेंसिव तरीके से की जाती है. हेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस. अब यहाँ पे कई बार तो जो क्रॉप्स होती हैं वो एक स्मॉल एरियाज पर ही ग्रो की जाती हैं. ऑन द अदर हैंड इन द डेवलप्ड कंट्रीज़, दूसरी तरफ हम देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है बेटा वो कमर्शली डेवलप्ड की जाती है. लार्ज बड़े बड़े फार्म्स पे उनको मतलब कि सेल आउट करने के लिए. बाद में फार्मिंग हेयर इज़ हाईली साइंटिफिक एंड प्रोडक्टिव. यहाँ की जो फार्मिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक, अच्छे तरीके की और प्रोडक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली होती है. टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल स्टडी अ फार्म इन इंडिया एंड वन इन द USA. अ फार्म इन इंडिया, अब बेटा इसमें अ फार्म इन इंडिया के बारे में रीड करते हैं. द फार्म इज सिचुएटेड ऑन द प्लेन्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द गंगेटिक डेल्टा. इट इज़ लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन इन बुर्दवान इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल के अंदर ये फार्म लिया गया है. द प्लेस इंजॉयज अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट विद अ हॉट ड्राई समर फॉलोड बाय अ वार्म रेनी सीजन एंड अ कूल ड्राई विंटर. द फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल इज रिन्यूड एनुअली बाय द रिवर गंगा व्हेन इट इज इन फ्लड. अब ये प्लेस जो है वो बेटा क्या है, उसका जो क्लाइमेट है वहाँ पे समर्स जो हैं वो हॉट एंड ड्राई हैं और फॉलोड बाय अ वार्म रेनी सीज़न एंड कूल ड्राई विंटर्स. विंटर्स जो हैं वो कूल एंड ड्राई हैं. और जो एल्यूवियल सॉइल है बेटा वो हर साल, मतलब हर बार जो है वो नई आती है. जैसे कि गंगा रिवर के पास है, अब जैसे जैसे जब फ्लड आती है तो गंगा रिवर जो है अपने साथ पहाड़ों से, माउंटेन से बहुत ही फर्टाइल सॉइल लेकर आती है, जिसको एल्यूवियल सॉइल कहते हैं. फार्मिंग एक्टिविटी एंड क्रॉपिंग पैटर्न, अब बेटा कवरिंग एन एरिया ऑफ हाफ एन एकड़, ये जो एरिया है वो हाफ एन एकड़ का है. दिस फार्म इज़ वन ऑफ द मैनी स्मॉल फील्ड्स, एक स्मॉल सा फील्ड है वेयर इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ राइस इज कैरिड ऑन. यहाँ पे राइस की कल्टिवेशन की जाती है, एक छोटा सा फार्म है. द फार्मर ऑन्स द स्मॉल प्लॉट दो ही एंड हिज फैमिली लिव अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड. अब ये जो फार्म है बेटा वो एक फार्मर का है, फार्मर खुद चलाता है, उसको देखभाल करता है उसकी. ही एंड और उसकी जो वो और उसकी फैमिली जो है वो फार्म से थोड़ा ही दूर रहते हैं. द फील्ड आर प्लॉट विद अ ब्लॉक ड्रॉन प्लो, एवरी अवेलेबल टाइप ऑफ मैन्योर एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सोइल. अब ये वाला जो फील्ड है बेटा वो ब्लॉक ड्रॉन प्लो, मतलब आपने देखा होगा जिसको ब्लॉक्स चलाते हैं प्लो को, जब खेत जो होते हैं वो जोतते हैं, है ना. तो अब इसमें वो क्या करते हैं, वो थोड़ा फर्टिलाइजर्स जो हैं, केमिकल्स जो हैं वो मिट्टी के अंदर मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं मिट्टी के अंदर. दिस इज़ परचेज्ड फ्रॉम द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस. अब ये कहाँ से परचेज करते हैं, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से. ऑफन द फार्मर्स हैज़ टू टेक अ लोन फ्रॉम द लोकल मनी लैंडर्स टू बाई सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब बेटा जो फार्मर्स होते हैं उनके पास इतना पैसा तो होता नहीं है, तो अब ये सीड्स लेने के लिए, फर्टिलाइजर्स लेने के लिए वो जो मनी लैंडर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी मनी होती है उनसे इंटरेस्ट, सॉरी उनसे वो बोरो करते हैं मनी. और जो वो मनी लैंडर्स क्या करते हैं, उनको हाई इंटरेस्ट के अंदर देते हैं वो पैसे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. अब बेटा जो गवर्नमेंट है उसने इनिशिएटिव लिया हुआ है, मतलब गवर्नमेंट जो है जो फार्मर्स को बहुत ही लो रेट्स पे लोन देती है अलग अलग बैंक्स के थ्रू. राइस इज मेन खरीफ और समर क्रॉप कल्टिवेटेड. राइस जो है वो मेन, जिसको कह सकते हैं हम समर क्रॉप जिसको कह सकते हैं वो है.
अब नेक्स्ट क्या होता है बेटा, वंस द फील्ड हैव बीन प्लॉड, जब फील्ड जो होते हैं पूरी तरह जोत जाते हैं, उनको पूरी तरह जोत दिया जाता है, दे गेट फ्लडेड विद रेन वाटर, भर जाते हैं वो रेन वाटर से, और बाय वाटर दैट इज़ ब्रॉट फ्रॉम द नियर बाय स्ट्रीम्स बाय अ स्मॉल इरीगेशन चैनल, या फिर या तो रेन वाटर से भर जाते हैं या फिर नियर बाय कोई जो वाटर वाटर बॉडी होती है वहाँ से पानी लाकर उसको भर दिया जाता है। देन द सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड इन टू द फ्लडेड फील्ड बाय द फार्मर्स एंड हिज फैमिली। अब क्या करते हैं जो सीडलिंग्स होते हैं, अब बेटा जो फार्मर्स हैं और फार्मर्स की फैमिली है वो क्या करते हैं, सीडलिंग्स को उन फ्लड प्लेन्स के अंदर लगाते हैं। एज दे ग्रो रेगुलर वीडिंग एंड मैन्योरिंग इज़ डन। अब जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं उनकी देखभाल की जाती है, उनको मैन्योर दिया खाद वगैरह डाली जाती है उसके अंदर। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स बाद व्हेन द पैडी हैज़ मैच्योर्ड द फील्ड आर ड्रेन्ड एंड हार्वेस्टिंग बिगिंस। अब बाद में क्या किया जाता है, फील्ड्स को सुखाया जाता है और हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी जाती है। लेबर इज़ हायर टू कट द पैडी विथ सिकल्स, द पैडी इज़ देन सन ड्राइड इन द फील्ड एंड थ्रैश्ड एंड विनोड टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द शैफ। अब बेटा क्या होता है, लेबर हायर की जाती है, बाद में क्या होता है पैडी को क्या किया जाता है, सन ड्राई सन सुखाया जाता है क्योंकि वो गीला होता है, उसके बाद जो होता है उसको थ्रैश्ड किया जाता है और जो ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर वाला पार्ट जो होता है वो अलग किया जाता है और बाहर वाला अलग। नेक्स्ट द राइस इज़ मिल्ड और पॉलिश, उसके बाद राइस को पॉलिश किया जाता है। द हस्क एंड स्टाक्स आर बर्नड एज फ्यूल्स और यूज एज एनिमल फीड फॉर द फ्यू कैटल एंड पोल्ट्री दैट आर कैप्ट एज ड्रॉट एनिमल्स एंड फॉर देयर मिल्क एंड एग्स। अब बेटा जो चावल होते हैं, जो राइस होते हैं, उनको पॉलिश कर दिया जाता है और जो उसके बाहर वाला ब्राउन पार्ट होता है उसको या तो जला दिया जाता है या फिर वो कुछ एनिमल्स होते हैं उनको खिला दिया जाता है। अब बेटा जो ये फार्मिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होती है, इसलिए जो सेकेंड क्रॉप होती है राइस की वो भी जल्दी से जल्दी ग्रो कर दी जाती है और स्प्रिंग सीजन की स्टार्टिंग में उसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। अ थर्ड क्रॉप ऑफ राइस मे बी ग्रोन विद इरीगेशन वाटर। अब ये जो इरीगेशन वाला वाटर होता है उसके साथ ही, मतलब कभी कभी क्या होता है जो थर्ड क्रॉप होती है राइस की वो भी ग्रो कर दी जाती है। अलॉन्ग विद राइस वेजिटेबल एंड पल्सेज आर ऑल्सो कल्टिवेटेड, इसके साथ राइस के साथ साथ वेजिटेबल्स और पल्सेज को भी कल्टिवेट किया जाता है फॉर द फार्मर्स कंजम्पशन। फार्मर्स अपने यूज़ के लिए उसको वेजिटेबल्स और पल्सेस को राइस के साथ ही ग्रो कर लेते हैं। अब जो बेटा टोटल जो ग्रो होती है क्रॉप राइस की वो पर फार्मर के अकॉर्डिंग लगाएं तो बहुत ज़्यादा कम होती है। सो आफ्टर कीपिंग अ साइड इनफ फॉर हिज रिक्वायरमेंट, अब जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट उनकी जितनी होती है उसको अलग रख लेते हैं राइस को, और जो बाकी बचते हैं वो मार्केट के अंदर, वीकली मार्केट में या मंडी में सेल कर देते हैं। इन स्पाइट ऑफ गुड हार्वेस्ट, अच्छा हार्वेस्ट भी होती है फसल तो भी, द फार्मर्स इनकम फ्रॉम सेलिंग एंड सरप्लस इज़ लो, अब जो सेल करते हैं वो मार्केट में उनकी जो इनकम होती है वो बिल्कुल लो होती है, और जो फार्मर्स होते हैं वो पुअर पुअर ही रहते हैं, मतलब उनको ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती है। ही डज़ नॉट हैव द फाइनेंस और द टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव हिज लॉट। अब उनके पास बेटा अपनी क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजीज भी नहीं होती हैं। इफ़ इन अ पर्टिकुलर ईयर द क्रॉप फेल्स द फार्मर इज़ हेल्पलेस, और कई बार क्या होता है जो क्रॉप होती है वो ग्रो ही नहीं होती है तो क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन जो होती हैं वो सही नहीं होती हैं उसके लिए, तो वो बिल्कुल ही जो मतलब खर्चा होता है वो भी नहीं पूरा हो पाता उनका उसको क्रॉप को ग्रो करने का। अब ये चीज़ जो होती है ये उनको बहुत ही ज़्यादा बैक ले जाती है, उनको इंटरेस्ट लेना पड़ता है अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए भी, और वो इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रेट में होता है।